Good morning, students. I am Suman Kumar, your EVS teacher. आज हम तुम लोगों को क्लास वन का EVS पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर टू में पढ़ना है माई फैमिली. चैप्टर टू का क्या नाम है? माई फैमिली, मेरा परिवार. माई फैमिली मेरा परिवार. सबसे पहले हम तुम लोग को वर्ड मीनिंग कराएंगे. वर्ड मीनिंग members, members means हो गया सदस्य. family members परिवार का सदस्य. siblings, siblings हो गया सगा भाई बहन, अपना भाई बहन, कजन नहीं, चचेरा नहीं, अपना. siblings क्या हो गया? सगा भाई बहन. support, support means क्या होता है? सहारा. support s u double p o r t, support means हो गया सहारा. parents, माता पिता. कजन के चचेरा भाई बहन. चचेरा भाई बहन. डिफरेंट मीन्स हो गया अलग अलग. डी आई डबल ई आर ई एन टी, डिफरेंट मीन्स हो गया भिन्न भिन्न या अलग अलग. ठीक है. हो गया घर का काम. CHORES क्वेश्चन हो जाएगा घर का काम.
हो गया। तो कितने वर्णमिनी को आप प्रयोग करेंगे, मेंबर मिस हो गया सदस्य, सिबलिंग मिस हो गया सगा भाई बहन, सपोर्ट मिस हो गया सहारा, पेरेंट्स मिस हो गया माता पिता, कजन मिस हो गया चचेरा भाई बहन, डिफरेंट मिस हो गया अलग अलग, या ये भी चोर्स मिस हो गया घर का काम। अब चैप्टर टू देखिए, माई फैमिली मेरा परिवार, राइट व्हाट यू कॉल दिस फैमिली मेंबर्स इन दिस स्पेस प्रोफाइल, कहता राइट लिखिए व्हाट डू यू कॉल दिस फैमिली, मैं इस परिवार के सदस्य को हम क्या कहकर तुम क्या कहकर बुलाते हो इन दिस स्पेस प्रोफाइल, जो स्पेस प्रोफाइल है उसमें लिखना है। इसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मींस क्या था दादा, तो ग्रैंडफादर को हम दादा बोलते हैं, यहाँ दादा लिख देंगे डी ए डी ए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को दादी बोला जाता है डी ए डी आई, यहाँ दादी लिख देंगे। अच्छा यहाँ ग्रैंड मदर, यहाँ नानी हो जाएगा, यहाँ नाना हो जाएगा। आगे देखिए फादर, फादर को पापा बोल सकते हैं, मदर को मम्मी एम यू डबल एम वाई मम्मी बोलते हैं। यहाँ ब्रदर सिस्टर, अपने सगे भाई बहन को एक साथ सिबलिंग बोलते हैं, एस आई बी एल आई एन जी एस, सिबलिंग्स मींस क्या सगा भाई बहन। आगे देखिए आवर फैमिली इज मेड अप ऑफ पीपल, और फैमिली इज मेड हमारा परिवार बना हुआ है ऑफ द पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एज, माने परिवार बनता है एक ही पीपल लिव इन द सेम हाउस, माने लोग एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो उसको मिलकर परिवार बनता है। और फैमिली गिव अस लव, हमारा परिवार हमें प्यार देता है, केयर देखभाल एंड सपोर्ट और सहारा देता है, माने परिवार में हमें क्या प्यार मिलता है, एक दूसरे से सपोर्ट सहारा मिलता है और एक दूसरे को लोग अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा मेरे पेरेंट्स गार्जियन है, पेरेंट्स मीन्स गार्जियन है, माता पिता होता है। माई ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड माई सिबलिंग, मेरे माई ब्रदर एंड सिस्टर मेरे भाई और बहन आर कॉल्ड माई सिबलिंग, मैंने भाई और बहन को सिबलिंग यानी सगा भाई बहन बोला जाता है, सिबलिंग मीन्स क्या सगा भाई बहन, तो अपने भाई और बहन को सिबलिंग बोला जाता है। माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग फ्रॉम ए न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में मैंने छोटे परिवार में मम्मी पापा और सिबलिंग मैंने अपने भाई बहन होते हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ माई अंकल एंड आंट्स आर नॉट माई सिबलिंग, मैंने मेरे अंकल के बेटा बेटी सिबलिंग नहीं बोले जाते हैं, अंकल के बाल बच्चा को सिबलिंग नहीं बोला जाता है। आगे देखिए दे आर माई कजन, वे मेरे चचेरे भाई, अंकल के बच्चे को क्या कजन बोला जाता है नट सिबलिंग। माई ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दादा दादी पेरेंट्स मम्मी पापा सिबलिंग अपने खास भाई बहन, आंट्स चाची अंकल्स चाचा एंड कजन और उनके बेटा बेटी फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली, फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली की एक सदस्य है, मैंने जॉइंट फैमिली का निर्माण करते हैं। तो जॉइंट फैमिली क्या हो गया, जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स सिबलिंग अंकल आंट एंड कजन लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या है चाचा चाची दादा दादी मम्मी पापा कजन चचेरे भाई बहन और सिबलिंग अपने खास भाई बहन, जिस परिवार में ये सभी लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली बोला जाता है। दिस इज न्यूक्लियर फैमिली, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गया, इसमें मदर फादर और दो बच्चे हैं, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। आगे पिक्चर में देखिए दिस इज जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में देखिए दादा दादी अंकल आंट कजन ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम लोग को जॉइंट फैमिली। ड्रॉ बनाइए पेस्ट में चिपकाइए पिक्चर ऑफ योर फैमिली, यहाँ पर अपनी फैमिली का पिक्चर चिपका। आगे इन हिंदी, हिंदी में यू कॉल योर फादर्स फादर दादा, हिंदी में अपने फादर्स फादर अपने पापा के पापा को हम लोग क्या दादा कहते हैं,
हिंदी में हम लोग अपने पापा के पापा को दादा कहते हैं, एंड योर फादर्स मदर, और पापा की मम्मी दादी कहलाती है। यू कॉल योर मदर्स फादर, यू कॉल योर मदर्स फादर, तुम अपने मम्मी के पापा को नाना, यानी कि हम लोग अपने मम्मी के पापा को नाना कहकर बुलाते हैं। एंड योर मदर्स मदर, और तुम अपनी मम्मी को नानी, यानी कि हम लोग अपने मम्मी को नानी, और मम्मी के पापा को नाना कहकर बुलाते हैं। व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स, तुम अपने दादा को किस नाम से बुलाते हो, कैसे बुलाते हो ग्रैंड पेरेंट्स को? आगे देखिए, व्हाई डू यू थिंक फैमिली आर इम्पोर्टेंट, व्हाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो दैट कि फैमिली आर इम्पोर्टेंट, परिवार जो है जरूरी है। रोल्स इन फैमिली, रोल में रोल्स में क्या का भूमिका, रोल्स इन फैमिली मैंने परिवार की क्या भूमिका है। कहता ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव डिफरेंट रोल, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली मैंने परिवार के सभी सदस्यों का हैव डिफरेंट रोल, भिन्न भिन्न भूमिका होता है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं तो है सबकी अलग अलग भूमिका होती है। इन सम फैमिली मैंने कुछ परिवार में बोथ पेरेंट्स गो आउट टू वर्क एंड शेयर द हाउस होल्ड, बोथ पेरेंट्स कुछ माता पिता होते हैं गो आउट टू वर्क मैंने बाहर काम करने जाते हैं, एंड शेयर द हाउस होल्ड और घर के काम में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। आगे देखिए, इन अदर फैमिली दूसरे परिवार में द फादर अर्न्स, अर्न्स क्या होता है कमाना, अर्न्स क्या होता है कमाना, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसमें फादर अर्न पैसा मनी अर्न करते हैं फॉर द फैमिली परिवार के लिए, एंड द मदर टेक्स केयर ऑफ द हाउस, और माँ जो है घर का देखभाल करती है, ठीक है। एंड द फैमिली मेंबर्स और परिवार के सदस्य, इस फैमिली इज डिफरेंट, इस फैमिली इज डिफरेंट एंड ऑल द मेंबर्स हैव डिफरेंट बट इम्पोर्टेंट रोल्स इन फैमिली, इस फैमिली इज डिफरेंट प्रत्येक परिवार क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, एंड ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंट और परिवार के हर सदस्य भिन्न भिन्न होते हैं, बट मैंने लेकिन इम्पोर्टेंट रोल्स टू प्ले, लेकिन उनकी कुछ मैंने महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो उनको अपना निभाना पड़ता है। चिल्ड्रेन ऑल्सो हेल्प विथ हाउस होल्ड वर्क, बच्चे भी घर के काम में मदद करते हैं, बच्चे भी अपने मदर फादर के घर के काम में हाउस होल्ड में हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए। समटाइम्स कभी कभी फैमिली टेक हेल्प फ्रॉम अदर टू डू सर्टेन, कभी कभी फैमिली टेक हेल्प फ्रॉम अदर टू डू सर्टेन, कभी कभी परिवार के सदस्य भी एक दूसरे का हेल्प करते हैं। सच पीपुल इंक्लूड द ड्राइवर, मैंने अदर पीपुल भी मैंने परिवार का हेल्प करते हैं जैसे ड्राइवर होते हैं, सच पीपुल इंक्लूड द ड्राइवर, इसमें ड्राइवर भी शामिल है, गार्डनर मालिक भी शामिल है, हाउस हेल्पर मैंने जो घर में काम करने आती है वो भी शामिल है, एंड गार्ड और गार्ड जो हमारे घर की रखवाली करता है वो भी शामिल है, उसको भी हम लोग फैमिली मेंबर रखते हैं। फैमिली टेक हेल्प फ्रॉम अदर टू डू सर्टेन टास्क, सच पीपुल इंक्लूड द ड्राइवर हो गया, गार्डनर हो गया, हाउस हेल्पर एंड गार्ड हो गया। एवरी फैमिली हैज फन इन डिफरेंट वे, प्रत्येक परिवार में लोग मनोरंजन अलग अलग तरीके से करते हैं। सम फैमिली लाइक गोइंग टू पिकनिक, कुछ परिवार के लोग सदस्य जो हैं पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं। अगर मैंने दूसरे हो गया लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, कुछ परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर म्यूजिक को सुनना चाहते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फैमिली डज टुगेदर, और तुम्हारे परिवार के लोग क्या करते हैं उसको नीचे लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट योर फैमिली मेंबर्स परफॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट योर फैमिली मेंबर परफॉर्म, मैंने तुम्हारे परिवार के सदस्य कौन कौन सा रोल परफॉर्म करते हैं निभाते हैं उसको इसमें लिखना है। जैसे फादर का रोल क्या है, मदर का रोल क्या है, तो आगे हम स्कूल आगे क्लास में पढ़ाएंगे। इसके नीचे देखिए, वी ऑल लिव विथ आवर फैमिली, हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऑल फैमिलीज कैन बी ज्वाइंट फॉर न्यूक्लियर, मैंने परिवार ज्वाइंट या न्यूक्लियर मैंने बड़ा परिवार या छोटा परिवार हो सकता है, किसी का परिवार क्या है बड़ा है किसी का परिवार छोटा है। Our family give us love, हमारा परिवार जो है हमें प्यार देता है, केयर देखभाल करता है एंड सपोर्ट और सहारा देता है। हम लोग को अपने परिवार के साथ रहने से क्या होता है कि परिवार में आदमी को लव प्यार भी मिलता है, एक दूसरे से सपोर्ट मिलता है। समटाइम्स मिलता है,
यानी पीपल फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली आल्सो लिव विद अस एंड हेल्प कभी-कभी परिवार आउटसाइड मतलब बाहरी लोग भी जैसे हमारे रिलेटिव हो गए और आते हैं और हमारे परिवार के साथ रहते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम तुम लोग को होमवर्क कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।